हेलो दोस्तों, मैं हूँ घासी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्विक मोबाइल रिपेयर। दोस्तों, आज नोकिया 3310 का नया मॉडल पावर की सलूशन करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर अभी वाटर डैमेज के कारण पावर की प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सलूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, चार्जिंग कनेक्टर लगाने से चार्ज शो करता है, लेकिन सेट चालू नहीं होता। डिस्प्ले में आएगा चार्जिंग कनेक्टर शो करेगा, डिस्प्ले में ग्राफिक दिखाएगा चार्जिंग का, लेकिन पावर बटन दबाने से सेट चालू नहीं होगा। तो इसका सलूशन आगे आपको बताएंगे। पावर दबाने से भी आप ऑन नहीं होगा, लेकिन चार्जिंग में सेट चार्जिंग शो करेगा। उसका ट्रैक कहां पर टूटा हुआ है, इसका सलूशन आगे हम आपको बताएंगे। डिस्प्ले का कनेक्टर खोल लेते हैं दोस्तों, और आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाइए, ताकि हम जो नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, इसको हम पत्ता को कीपैड पत्ता को खोल लेते हैं, ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। फिर कंटिन्यूटी वहाँ आप चेक करने से देखिए, बाहर का कंटिन्यूटी शो कर रहा है, अंदर का शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं से ट्रैक टूटा हुआ है। ये वाटर डैमेज के कारण ज़्यादातर हो रहा है नया मॉडल में। पत्ता खोल लेते हैं दोस्तों, देखिए इसका पिन नंबर हमने पहले से ट्रैक कर लिए हैं। उसका पिन नंबर 4 1 2 3 4 5 4 नंबर, ये 1 2 3 4 4 नंबर। 4 नंबर पे वहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए वहाँ पर एक पॉइंट है, वो जम्फर मैं आपको दिखा दिया हूँ, वहाँ एक पॉइंट है। वो पॉइंट के आपको आईसी से आया हुआ है। ये देखिए, आपको 4 नंबर पिन दिखा दिया हूँ, वहाँ से आपको सोल्डरिंग करना है। वहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पॉइंट क्या हुआ है, ऊपर से 2 नंबर में पॉइंट क्या हुआ, वहाँ से आपको सर्किट से यहाँ तक कनेक्शन आया हुआ है। यहाँ से कनेक्शन आया हुआ है सर्किट तक, सर्किट से आगे 4 नंबर पर आया हुआ है। इसके आगे वो डायरेक्ट गया हुआ है, वो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहीं पर देखिए, जो मीटर का प्रोड आपको शो कर रहा हूँ, वहीं पर एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस वाटर डैमेज के कारण ख़राब हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, अपन हो जाता है। तो वहाँ आपको एक जम्फर लगाना है, वहाँ से यहाँ तक एक जम्फर लगाना, वहाँ रेजिस्टेंस के वहाँ से आपको पिन नंबर 4 पर जम्फर लगाना है। यहाँ से आपको जम्फर लगाना है पिन नंबर 4 पर, कनेक्टर के 4 नंबर पिन पे। दोस्तों, अगर आपका कनेक्शन सही है कीपैड पत्ता में, देखिए पत्ता में कनेक्शन ठीक है, वहीं से यहाँ तक कनेक्शन आपका बजर पॉइंट से रखने से आपको पहुँच रहा है, साउंड पहुँच रहा है, इसका मतलब वो पत्ता ठीक है। अगर वो पत्ता का साउंड नहीं पहुँच रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग यहीं से भी दोस्तों, वहाँ से एक जम्फर लगा करके डायरेक्ट कीपैड पत्ता से भी आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट एक पॉइंट सोल्ड करके आप कीपैड पत्ता के पावर की में आप दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से लगा के एक जम्फर दोस्तों, आगे यहाँ पर कीपैड पत्ता पावर की के अंदर मिडिल पॉइंट में आप दे सकते हैं, यहीं से भी आपका सलूशन हो जाएगा। अगर ये पत्ता अंदर से टूटा हुआ है तो, नहीं तो वही बाहर से, वहाँ से जो दिखाए थे पहले व्यू जो दिखाए थे, वहीं से आपका शटआउट हो जाएगा। थैंक यू।